हेलो मेरी प्यारी फैमिली, सुप्रभात, नमस्ते आप सब लोगों का। सबसे पहले हमारा सुबह हो चुकी है 4:30 बजे। हम उठ चुके हैं के बर्तन धुल लेन, और हमारा सुबह हो गया है 4:15 बजे। तो सबसे पहले महिलाएं का चूल्हा चौका बर्तन देखे पड़ा थे, तो हम आ गए अपने किचन में। अब किचन में बर्तन धुल लेन, बर्तन धुले के बाद गैस साफ करके बस धुलाई झाड़ू पोछा, यह महिलाएं के लिए काम सबसे पहले होते हैं। जो लोग योगा सोगा कराते हैं, योगा सोगा करके तब फ्री होते तो काम करें, क्योंकि हमारा शाम का काम दोस्त पड़ा ही रहा है, तो इसलिए हमका सुबह करे पड़ रहा, क्योंकि आजकल बच्चन के स्कूल होते हैं, तो बच्चन के स्कूल के लिए आओ जल्दी फटाफट तो मशीन की तरह काम करे पड़ा था, क्योंकि उन लोगों का लेट हो जाता है। तो दिवस तो हमारे बिटिया का जगावे पड़ी, चलो चल रहे बिटिया का जगा दे। सिद्धि बाबू उठो, बिटिया बाबू, सिद्धि बेटा हमारे हेलीकॉप्टर जहाँ पहिए हुआ खड़ी कर दिया है, कहूँ इधर कहूँ उधर, हमें इनका सारी सामान हटाना पड़ा था, क्योंकि सुबह सुबह शुक्रवार है, तो हम सोचे जल्दी से यार लीप ले, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं, तो 10-12-13 दिन कुछ करे नहीं है, तो जल्दी फटाफट यहू बरामदा का है, बाकी रह जाए यहाँ लीप ले थे हम, तो फटाफट लीप ले चल रहे हैं कपड़ा धुले के लिए। तो बज गई हैं सुबह के 5:30, मतलब 5:35-36 कुछ भी होगा वही, क्योंकि 5:30 से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अब आ गए ना हम बाथरूम में कपड़ा धुले के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ का यह काम होता है, टंकी वाला सप्लाई वाला पानी आवा, तो एक इंतजार करे पड़ा, देख लियो भाई पानी नहीं आवा, बड़ी गुस्सा लग रही, क्योंकि जल्दी पानी आई तो जल्दी काम हमारा ख़त्म हुई, पानी तो नहीं आ रहा, लेकिन तब तक कपड़ा धुल लेना है, शायद आ ही जाए। तो हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब फूल तोड़ लें, क्योंकि हमका बहुत अच्छा यह है कि हमारे लिए हमारे पास में माँ बाथरूम के पास में फुलवारी है, जो थोड़े बहुत पेड़ पौधा लगा रखे हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि यहाँ सुबह से भगवान की पूजा करने के लिए फूल वगैरह मिल जाते हैं। तो हम तोड़ लिया है फूल अच्छी पूजा करके, तो बच्चन का चल रहे हैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखो, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताओ। रोज रोज समझ में नहीं आ रहा कि बच्चन के लिए हम टिफिन पैक करी तो का करी, सब्जी पराठा की तहरी, आजकल सारी चीज़ें मतलब वैसी नहीं है कि चलो तहरी वगैरह बना दो, मटर वगैरह डाल के तो अच्छी लगे, बच्चन के फरमाइश तो अलग रहा था, तो हमें घर आई रहा कल पनीर, तो आज हम बना रहे हैं पनीर के पराठा। तो पनीर के पराठा बनाए के एक फ़ायदा रही, क्योंकि बच्चे चाय के साथ भी कर रहे हैं और टिफिन में पैक भी हो जाए, तो बना दिया है हम पनीर के पराठे, और बच्चे आराम से टिफिन पैक करके चले जाइए स्कूल। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा करें ना हमारा ब्लॉग, प्रैक्टिस तो यही रहा था, आप लोगों का कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जो आप लोगों का अच्छी लगे, तो यह छोटा सा घर, छोटी सी किचन, छोटी सी रसोई और छोटा सा हमारा ब्लॉग वीडियो आप लोगों का पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, क्योंकि बच्चे लोग चाय पी चुके हैं, अब ये लोग रेडी हो रहे हैं, हम जा रहे हैं स्कूल फटाफट। हम बिट्टू को कर दिए थे कंघी, और कंघी करने के बाद इन लोगों का टाइम है निकल रहे हैं, फिर अपना काम डेली वाला वह हमारा शुरू हो चुका है, फिर आगे बनी जो बनना है सब्जी रोटी दाल चावल वही खाना बन रहा है। आज तो अच्छा है कि हमका बिट्टू हमारी परेशान नहीं करी रहे ना, तो सुबह सुबह स्कूल जाए टाइम तो थोड़ा बहुत पिन पिन नकुना इनके फन बनावे करे थे, कुछ ना कुछ तो बाजे करे थे, कौन कौन उनका दिक्कत हो ही जाते हैं। तो आज तो राजी खुशी हमसे कंगी करवा ली ने, और बढ़िया अच्छे से स्कूल जाए के लिए रेडी हो गई हैं, बस जरा सा काम बाकी है, वही की बात हम छप्पा आ गए हैं कपड़ा डाले के लिए, कपड़ा डाले के बाद तो हम चाय वाय पी के अपन काम शुरू हो जाए। तो आप लोगों से बाय बाय, और आप अपना ख्याल रखो, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करो। फिर से मिलते हैं अगले अपने ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों का नमस्ते।